लोकसभा से आरटीआई कानून 2019 के पास होने के बाद बुधवार को इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन संसद में इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आरटीआई लोकतंत्र का एक बड़ा कदम था, लेकिन बीजेपी में सब काला ही काला है, सब अंधेरा ही अंधेरा है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आरटीआई को कमज़ोर कर रही है। प्रमोद तिवारी से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। मोदी सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। सर, आरटीआई कानून में जो संशोधन हुआ है उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनके सैलरीज भत्ते अब सब सरकार तय करेगी, आपको लगता है एक डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल बीत गए थे, लोकायुक्त नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके लिए संघर्ष किया उसी लोकायुक्त को भूल गई थी। आरटीआई लोकतंत्र में एक बड़ा कदम था, जहां एक सामान्य जन को भी अधिकार था कि कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं अगर कोई चीज लुका छिपी का खेल हो रहा है तो वो जान सके, सवाल उठा सके। पर भारतीय जनता पार्टी में सब काली काला है, सब अंधेरे अंधेरा है, सारा भ्रष्टाचार है, कोई जान ना सके, इसलिए उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जैसे और संस्थाएं खत्म करने की कोशिश की गई, वैसे इसको भी करने की कोशिश की जा रही है। इतने सालों में बहुत से विसिल ब्लोअर सामने आए जिन्होंने बहुत से बड़े बड़े मामले खोज के निकाला सरकारों के खिलाफ राज्यों में, आपको लगता है कि ये इसको कॉम्प्रोमाइज करके जो लोग आते थे सामने निकाल के खबर लाते थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या जो पब्लिक लाइफ में जो कुछ भी घट रहा था, स्कैम हो रहा था, वो सब अब खत्म हो जाएगा इसको कॉम्प्रोमाइज कर? देखिए, कोशिश तो भाजपा की यही है कि किसी तरह लोगों को वहां जो बैठे लोग आयुक्तगण उन पर बंदिश डालो, उन पर तलवार लटका दो, वेतन की, भत्ते की, कार्यकाल की, सब कुछ, तो वो निष्पक्षता पूर्वक काम न कर सके। सवाल जेपीसी की मांग की है विपक्ष ने कि इस पूरे मामले को जेपीसी के पास भेज देना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक ऐसा स्थान है जहां पर सारे दलों के विचार खुलकर आएंगे, सामने डिस्कस होंगे और उसके बाद रास्ता निकालना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि निसंदेह इसको सेलेक्ट कमेटी, जेपीसी, जो डिमांड हो उसको भेजना चाहिए।